तो चलिए फ्रेंड्स, UPPCL 2019 कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज़ का ये आपका पांचवा वीडियो है, सॉरी सिक्स्थ वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको पांच वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मैंने MS Excel पर ही वीडियो कराया है। स्टार्टिंग के वीडियोस में MS Excel का बेसिक है, उसके बाद MS Excel पे क्वेश्चंस हैं। आज भी मैं आपको MS Excel एक क्वेश्चन कराऊँगी। और मेन बात तो ये है कि इसके पहले आपका रिज़ल्ट आ चुका है UPPCL TG2 का, तो फिर स्टूडेंट को क्लियर भी हो गया होगा कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और किसको आगे के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आगे के लिए प्रिपरेशन क्यों करनी है, बिकॉज चुनाव के बाद नेक्स्ट वैकेंसी आने के चांसेस हैं, कि चुनाव के बाद नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों का प्रमोशन हो चुका है, तो उसमें अभी भी पोस्ट खाली हैं जिनके लिए वैकेंसीज आएंगी TG2 के लिए। तो इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दें तो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज फिर लास्ट टाइम पर कंप्यूटर जैसा सेक्शन आपके लिए कवर नहीं हो पाता है और आप उस पर पास नहीं हो पाते हो। तो इसीलिए मैं आपको अभी से ये सीरीज़ करा रही हूँ, और टाइम टू टाइम मतलब गैप दिया हुआ है, आपके पास अच्छे से टाइम है, आप पहले की वीडियोस भी पढ़ सकते हो जो पहले मैंने चार कराए हैं और आगे भी मैं कराती जा रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि गैप हो जाए नेक्स्ट वीडियो आने में, पर आपका इस सीरीज़ का वीडियो कोई ना कोई आता रहेगा मेरे चैनल पर। आप चेक करते रहिएगा, UPPCL 2019 इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, प्लेलिस्ट पर जाना है मेरे चैनल पर आपको, उसमें UPPCL 2019 प्लेलिस्ट है, उसमें आप जितने भी वीडियोस देखेंगे वो इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। MS Excel में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फार्मूला बार, सॉरी टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार। तो आपको सीधे एडिटिंग नहीं करनी, तो आपको फार्मूला बार में जाकर एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, सीट, अनटाइटल। एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम बताना है, तो इसका आंसर होगा वर्कबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित या एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइल, जस्टिफाई, फिल, सीरीज। इसका आंसर होगा जस्टिफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं। MS Excel में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या बोलते हैं, बुक, डॉक्यूमेंट, सीट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो को का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को एंटर करता है। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को एंटर करता है। टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसका आंसर होगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को किसी श्रेणी से भरा जा सकता है। फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को किसी श्रेणी से भरा जा सकता है। अप डाउन, लेफ्ट राइट, ए और बी दोनों, या उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब कि अप डाउन भी आप भर सकते हो फिल कमांड के द्वारा और लेफ्ट राइट भी भर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जाती है। गो टू, सेंड टू, ईमेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गो टू कमांड जो होती है वो सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जाती है जिस पर आप गो टू देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यू जिसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट कार्य करते हैं एक्सेल में, उसे कौन सा व्यू बोलते हैं। नॉर्मल व्यू, वर्क व्यू, एक्टिव व्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नॉर्मल व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल सीट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफ़र किया जाता है जो क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक सेल जो होता है वो अपने एड्रेस से रेफ़र किया जाता है, और वो एड्रेस उसका होता क्या है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए इसमें से,
सेल का रो लेबल, सेल का कॉलम लेबल, सेल का रो और कॉलम लेबल, सेल का कॉलम लेबल और वर्कशीट टैब का नाम। चलिए इसका सही आंसर होगा कि जो एड्रेस होता है किसी भी सेल का एक्सेल सीट में, वो होता है उसी सेल का रो और कॉलम का लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा नियम जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। ऐसा नियम एक्सेल में, ऐसा नियम पूछा गया है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक, गो टू। इसका आंसर होगा गोल सीक। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को या फिर मोस्टली स्टूडेंट को शायद इसके बारे में ना पता हो गोल सीक, तो आप ज़रूर इसको सर्च करिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करिए। मैंने आपको इसका क्वेश्चन बताया हुआ है, अगर इसके बारे में आप पता करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ गोल सीक होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट, रिएक्शन। एक्सेल में पूर्व लिखित फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा फंक्शन बोलते हैं एक्सेल में पूर्व लिखित फॉर्मूले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड देने पर टेबल पेजों में विभाजित हो जाएगी और उनका प्रदर्शन पेज वाइज होगा। फिर से सुन लीजिए, कौन सी कमांड देने पर जो टेबल होती है वो पेजों में विभाजित हो जाती है और उनका प्रदर्शन पेज वाइज होता है। ऑप्शंस है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक, कट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये अगर आप कमांड देते हो तो टेबल जो होती है वो पेजों में विभाजित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूला बार कमांड का क्या कार्य होता है। ऑप्शंस हैं फॉर्मूला बार को ऑन या ऑफ करना, नया फार्मूला बनाना, फार्मूला बार को बदलना या फिर उपरोक्त सभी। तो फार्मूला बार कमांड के कौन कौन से कार्य होते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। इसमें आंसर होगा पहला, इस कमांड का यही सीधे काम होता है कि फार्मूला बार को ऑन या फिर ऑफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस कमांड को देने पर स्क्रीन पर वर्कशीट के अलावा सभी बार अदृश्य हो जाते हैं। मतलब किस कमांड को देने पर वर्कशीट के अलावा एक्सेल में सभी बार अदृश्य हो जाते हैं। टूल बार, फुल स्क्रीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है रिपीटेडली। इसका आंसर होगा ऑप्शंस आपका गलत टिक हो गया है। टूल बार ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आंसर होगा फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन कमांड देते हो तो स्क्रीन पर वर्कशीट के अलावा सारी चीज़ें अदृश्य हो जाती हैं, सिर्फ आपको वर्कशीट दिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। सेल्स, सीट्स, ब्लॉक लाइन, ग्रिड लाइन। तो इसका आंसर होगा ग्रिड लाइंस बोलते हैं जो वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में स्क्रीन को अधिकतम कितनी संख्या तक जूम किया जा सकता है। स्क्रीन को अधिकतम एक्सेल में कितनी परसेंटेज तक जूम कर सकते हैं, 10, 200, 300, 400। तो इसका आंसर होगा 400% हम अपनी स्क्रीन को एक्सेल में जूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल निश्चित करने के लिए या संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले हम क्या टाइप करते हैं। फिर से सुन लीजिए, सेल को निश्चित करने के लिए या फिर संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले हम कौन सा सिंबल टाइप करते हैं, हैज़, डॉलर, परसेंटेज या स्टार। तो इसमें आंसर होगा डॉलर का सिंबल टाइप किया जाता है। कॉलम और रो की संख्या जो होती है, एड्रेस नंबर सेल का, उसके पहले सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए हम ये काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में जहाँ पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल क्या कहलाता है। A1, करेंट सेल, एक्टिव सेल, डेटिव सेल, डीएक्टिव सेल। तो इसका आंसर होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, एक्टिव सेल बोलते हैं उस सेल को जहाँ पर पॉइंटर उपस्थित होता है। ये इसी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, TG2 के एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड वर्कशीट में नई लाइनें जोड़ने के काम आती है। वर्कशीट में नई लाइन जोड़ने के काम आती है कौन सी कमांड, न्यू रो, इंसर्ट रो, सेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इंसर्ट रो, ये आपकी नई लाइन जोड़ने के काम आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? फाइल, न्यू, इंसर्ट, चार्ट। तो इसका आंसर होगा इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसके बाद पिक्चर, चार्ट, ऐसे करके जो भी आपको इंसर्ट करना होता है, तो इंसर्ट पर पहले आप जाओगे तभी आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कमांड वर्कशीट में किसी भी स्थान से पिक्चर लाने के लिए काम आती है? पिक्चर, इंडिकेटर, क्लिप आर्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा पिक्चर। तो मतलब आप सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हो, फिर पिक्चर कमांड पे जाते हो, तो जो पिक्चर कमांड होता है उसमें आप कहीं से भी पिक्चर लेकर वर्कशीट पर ला सकते हो। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? कमेंट, इंडिकेटर, पिक्चर, नन। तो इसका आंसर होगा इंडिकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य फाइल से लिंक स्थापित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी अन्य फाइल से लिंक स्थापित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? पिक्चर, कमेंट, फाइल, हाइपरलिंक। तो इसका आंसर होगा हाइपरलिंक। ये आपका सी और डी के बीच में दिख रहा है, इसका आंसर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपको किसी अन्य फाइल से लिंक स्थापित करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी और सीट पर आपको लिंक भेजना है या किसी अन्य फाइल से आपको लिंक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन सी कमांड होती हैं? नंबर, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, पैटर्न, प्रोटेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपकी सेल की फॉर्मेटिंग में काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो को छिपाने के लिए कौन कौन सी कमांड होती हैं? हाइड, हाइड रो, रो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हाइड कमांड होती है, जो रो को छिपाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम की चौड़ाई कितने नंबरों तक हो सकती है? 0 to 255, 1 to 256, 10 to 250, 0 to 65536। तो सही ऑप्शन है 0 to 255। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, कॉलम की चौड़ाई 0 to 255 तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन जो होता है, किस ऑप्शन के साथ रो या कॉलम दोनों को आप फ्रीज कर सकते हो? अर्थात वर्कशीट रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हो। तो किस ऑप्शन को आप प्रेस करोगे जिससे ऐसा होगा कि आप रो और कॉलम दोनों को फ्रीज कर सकते हो? तो ऑप्शंस हैं स्प्लिट, अरेंज, फिल्टर, फ्रीज पैंस। तो इसका सही आंसर है फ्रीज पैंस। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे UPSC 2019 के लिए, MS Excel के। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।